अब मैग्नेट की बात आती है, मैग्नेट आया कहां से? हेलो, चुंबक आया कहां से? किसी वैज्ञानिक ने बनाया क्या? हेलो, सबको पता है कि अपना शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? कौन कौन सा? जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी आई के नहीं, और पृथ्वी में से दो फोर्स निकलते हैं, कौन कौन से पता है? ये ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही चीज आती है, कोई भी ऊपर छच्चा गिरोगे तो भी नीचे गिरेगी है। ग्रेविटी, ग्रेविटी, सबको पता है, सबने पढ़ लिखा है। दूसरा फोर्स उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, कौन सा क्या है वो? मैग्नेट कहां से निकल रहा है? पृथ्वी में से, बराबर। जिसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो अर्थ, किसको पता है मैग्नेट का जो पावर निकलता है उसको अर्थ बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, बराबर। बल तो बल की जगह तो अपन ने क्या कर दिया है? मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं कि जितना भी लाइट जल रहा है, पावर है, उससे पावर आ रहा है। अर्थ कहां से आ रहा है? पृथ्वी से। आप लाल वाइट पकड़ लो तो करंट आएगा? हेलो, करंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बूट चप्पल पेन रखे है, इसलिए नहीं आएगा। अगर उतार दिए तो आएगा, चोट जाओगे। मतलब अर्थ में ये ताकत है, अर्थ बिना कुछ भी नहीं। ये बल्ब चल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बॉडी बिना अर्थ का क्यों चला रहे हो? हेलो, ये बिना सबके जूते चप्पल पहने हुए पहने हुए ना, मोबाइल पहले तो फेंक दो, ये जूते चप्पल फेंक दो, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इसके अंदर कितने हैं? 20। पानी के बोतल में कितने हैं? 30। बिस्तर में कितने हैं? 110। बराबर। थोड़ी उससे महंगी वाली है, वो भी पता चलेगा, उसमें उससे भी डबल है। तो कितना पावर चाहिए? तो ये जरूरी है कि ये चीजें फेंकना जरूरी है। अब दूसरी बात और बताता हूं, मैग्नेट दोस्त किसका है? किसका पक्का मित्र है? लोहे का, आयरन का। तो वो आयरन आज की तारीख में कितना अपनी जगह है? देखो, जहां देखो वो आयरन नजर आता है कि नहीं आता? तो पृथ्वी तो पहले भी ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स फेंक रही थी फ्री में, पुराना जमाना हो गया आज वो, पर कौन खा रहा है उसको? लोहा। आप खा रहे हो कि वो खा रहा है? वो खा रहा है, आयरन खा रहा है ना। पर मिलना किसको चाहिए? अपने को। नहीं मिल रहा ना, तो कारण ये है, आज की तारीख में बीमार होने का कारण ये है, और डॉक्टरों को पता चलता ही नहीं है, कंसल्ट दवाइयां लिख लिख कर देते रहते हैं और ठीक हो जाएगा। सोने का बोलता है इसलिए हीलिंग होता है बॉडी, इसलिए ठीक हो जाएगा। तो अपने तो सोने का ऐसे ही बोलते हैं, पर मैग्नेट के ऊपर सोने का बोलते हैं वो बॉडी ऐसे ही हील हो जाता है। इसीलिए 300 से ज्यादा बीमारी ऑक्सीजन लेवल जरूरी है कि नहीं है? Yes. कौन कौन अपने परिवार से प्यार करता है उसके घर में ये होना चाहिए, बराबर। मेरा मानना ये है, बराबर। तो ये हर घर में आज की तारीख में जरूरत है, नहीं तो आने वाला समय क्या होने वाला है ना, ये किसी को पता नहीं है। अगर मैं तो बोला जीवन में स्वस्थ और मस्त बिना दवाई अगर 100 साल जीना है ना, तो ये सबके लिए जरूरी है आज की तारीख में। अब ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? पसीना थोड़ा ज्यादा आता है, जिसके माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकलता है। हेलो, एक नंबर थोड़ा ज्यादा आता है। मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन खाली इसका पानी पियो और इसके ऊपर एक दिन सोए ना, और दूसरे दिन टॉयलेट जाओगे ना, एकदम काला काला नजर आएगा आपको कि इतना सारा आपका अंदर बॉडी में से गंदगी निकल रहा है। और गंदगी निकलेगा तो क्या होगा? टॉक्सिन निकलेगा तो बॉडी क्लीन होगा, बराबर। इसीलिए बीमारी 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक होती है इससे, कारण ये है। दूसरा कि जितना भी अगर किसी को सबसे पहले तो स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रहा है, तो पहले ही दिन इसके ऊपर सोएगा ना तो मत नींद आएगी और स्ट्रेस गायब हो जाएगा। दूसरा
कि शरीर के अंदर टोटल पेन है ना, वो पेन ये खा जाएगा, आपका पेन मिटा देगा। कैसा भी प्रॉब्लम है तो बोलो, कितना भी वर्षों पुराना दर्द हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये पेन पेन किलर का काम करता है, इसीलिए मैडम ने बोला था 300 से ज्यादा डिसीज में काम करता है। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ताकत, चुंबकीय शक्ति हर घर में हर किसी को जरूरत है कि नहीं है? नहीं तो वही पुराना गाड़ा, गाड़ी की जगह गाड़ा, पता है ना, बलट गाड़ा, बराबर, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, उसके ऊपर सवारी करो, नलिया वाले घर, कच्चे मकान में जाओ, रहो, ये लोखंड डालना घरों के अंदर, बिल्डिंगों में रहना बंद कर दो। अगर रियल में बोलो तो उम्र ज्यादा चाहिए, बीमारी शरीर में नहीं आवे तो कारण ये है। तो ये सब कर सकते हैं क्या? तो मैग्नेट, और मैं तो बोल रहा हूँ बड़े बड़े न्यूज चैनल की ये रिपोर्ट भी देख लेना कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में डिस्टर्ब हो रहा है, दक्षिण ध्रुव और ये डिस्टर्ब हो रहा है, पर कभी भी ये पृथ्वी का विनाश हो सकता है। आप न्यूज पढ़ लेना, बराबर, ऐसे न्यूज वाले ऑलरेडी चेतावनियां दे रहे हैं, कारण कि मैग्नेट बिना एक मिनट उसको नहीं चल सकता, पूरे संसार को नहीं चल सकता, तो इस बॉडी को चल सकता है क्या? नहीं, बराबर। तो इस चीज को सिर्फ समझना है, समझ के इसके जो इसके रिजल्ट है वो अपने अनुभव करेंगे, और अगर किसी को बताएंगे तो दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और दुआ का पैसा आएगा तो थोड़ा दुआ दुआ वाला पैसा आएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बराबर। तो अपने लोगों की दुआ और यहाँ पे पैसा दोनों मिलता है, ऐसा काम करते हैं अपने यहाँ पर। तो सागर जोशी सर ने एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त चीज दी है जो अपन को हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस इन चीज चाहिए ना लाइफ में। हेल्थ अच्छा चाहिए, वेल्थ चाहिए, और हैप्पीनेस, मान सम्मान और इज्जत जो आज आप लोगों ने हमारे को दी, रितिका को दी, बराबर। तो वैसे मान सम्मान आज हमारे को मिल रहा है, आप कुछ लोगों को बताएंगे, उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसके हेल्थ और वेल्थ की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज इस दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है ये दो ही है ना, इसका गवर्नमेंट के पास में कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं। हेल्थ और वेल्थ का सॉल्यूशन है क्या? नहीं ना। तो उसको हेल्थ और वेल्थ कौन दे रहा है? आप दे रहे, बराबर। अगर आप किसी का हेल्थ और वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे? मिलेगा मिलेगा ना। तो थैंक यू, मेरा इतना ही कहना है कि आपने इस चीज को समझा।